मेरी उम्र के नौजवानों, कभी हार न मानो, क्योंकि अब तो वक्त का पहिया बड़े तेजी से आगे निकल गया है। अब एक नए पड़ाव पर आकर कुछ देर ठहर गया है, पता ही नहीं चला कब हम पहुंच गए यहाँ। ये चलता हुआ पहिया ही तो है जिंदगी, कब तक ठहरती वहाँ। कुछ साल इधर या उधर आना है सबको, मगर पहले हमारे बाल इतने सफेद थोड़े थे। मस्ती तंदुरुस्ती उठा पटक के कई रिकॉर्ड हमने तोड़े थे। उम्र की जब खुमारी छाई थी, अड़ोस पड़ोस स्कूल कॉलेज में कईयों की नींद हमने उड़ाई थी। छत छज्जे नुक्कड़ गलियां, मैटनी शो की बालकनियां उस समय के प्लेटफॉर्म थे। इश्क तो बहुत हुआ करते थे, पर दुनिया भर के सोशल नॉर्म्स थे। कोई देख लेगा या चिट्ठी का पढ़ा जाना सबसे बड़ा खौफ लगता था। घर वाले दुश्मन और पूरा जमाना दोस्त लगता था। उस समय न कैमरे और ना ही सीसीटीवी थे, मगर फुर्सतिया किस्म के कई दुर्बुद्धि जीवी थे। उन्हीं चुगलखोरों के चक्कर में घर में कई दंगे फसाद हुए। बेलन चकला चिमटा फुकनी जैसे कई शस्त्र आजाद हुए। बस वो अवस्था यूं ही निकल गई, दुनियादारी के चक्कर में बेफिक्राना जिंदगी यूं ही फिसल गई। अब नौकरी शादी घर गृहस्थी बच्चे कुछ काम अधूरे कच्चे सब कुछ निपटा कर आए हैं, पर हाँ कुछ यादगार लम्हे भी अपने साथ बांध कर लाए हैं। आंखें दांत घुटने कमर टखने गटर मटर तो करते हैं, लेकिन हाँ हम भी अपने दिल के मालिक हैं, कहाँ किसकी सुनते हैं। इधर दिल पर भी नाका बंदी है, अटर मटर तला भुला खाने की पाबंदी है। पुरानी रुई की गांठों की तरह उम्र को धुन लेते हैं आसन प्राणायाम के साथ साथ। प्रेमचंद महादेवी वर्मा और रेणु को भी पढ़ लेते हैं। घुटने कमजोर सही पर टेके नहीं है हमने, शिवानी मनु के साथ जिए लम्हे फेंके नहीं है हमने। आंखों में काली बालों में सफेदी जरूर छाई है, लेकिन दिल में अभी भी हमने बचपन से ही आग सुलगाई है। इसलिए फिर कहती हूँ मेरी उम्र के नौजवानों कभी हार न मानो।